पृथ्वी अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य दफन किए हुए है जो बीतते समय के साथ इंसानों के सामने आते हैं। इन रहस्यों को कई बार सुलझाने की कोशिश की गई, हालांकि किसी को इस काम में कामयाबी नहीं मिली। अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड पर नजर डालेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो यकीनन इस काम में आपको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाएगी। इसी तरह मिस्र के तपते रेगिस्तान में कई राज दबे हुए हैं जो लाख कोशिशों के बाद भी दुनिया के सामने नहीं आ पाए। इन्हीं में से एक है गीजा के स्फिंक्स का रहस्य। इसके निर्माण, आकृति, बनावट और अंदर मौजूद सुरंगों को लेकर कई सवाल हैं जो हजारों साल से सुलझ नहीं पाए हैं। तो आइए जानते हैं गीजा के स्फिंक्स के बारे में। गीजा का महान स्फिंक्स। गीजा के महान स्फिंक्स को आमतौर पर गीजा स्फिंक्स के नाम से जाना जाता है। ये चूना पत्थर से बनी एक विशाल मूर्ति है जिसकी बनावट बेहद दिलचस्प और अद्भुत है। गीजा स्फिंक्स का शरीर शेर का और सिर मानव का है। मिस्र के गीजा शहर में नील नदी के गीजा पठार पर स्थित ये स्फिंक्स पूर्व दिशा की तरफ मुंह किए है। इस विशाल मूर्ति के पंजे से पूंछ तक की लंबाई 240 फीट और ऊंचाई 66 फीट है, जबकि मानवीय सिर 62 फीट चौड़ा है। इसे मिस्र की सबसे पुरानी मूर्ति कला का नमूना माना जाता है क्योंकि इसे पत्थर के एक टुकड़े से तराशा गया है। गीजा स्फिंक्स का निर्माण फराओ काफरी के शासनकाल के दौरान किया गया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे काफरी के शासनकाल से भी पुराना मानते हैं। गीजा स्फिंक्स को दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मूर्तियों में गिना जाता है, लेकिन इसके बुनियादी स्वरूप और निर्माण को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं। जैसे इसे किसने और कब बनवाया था, इस मूर्ति को बनाने का क्या उद्देश्य था वगैरह वगैरह। नाम और आकार को लेकर संदेह। गीजा स्फिंक्स का असल नाम क्या है और प्राचीन समय में इसे किस नाम से पुकारा जाता था, ये पता लगा पाना काफी मुश्किल है क्योंकि इस विशाल मूर्ति से संबंधित दस्तावेज इतिहास में नहीं मिलते। 100 साल पहले स्फिंक्स का सही आकार इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली था, क्योंकि शुरुआती समय में महान स्फिंक्स का गर्दन से ऊपर का हिस्सा ही दिखाई देता था और बाकी शरीर मिट्टी के अंदर दफन था। इसी वजह से स्फिंक्स की सही लंबाई किसी को पता नहीं थी। अगर आप साल 1920 में ली गई स्फिंक्स की तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो सिर्फ स्फिंक्स का सिर पाएंगे। इसके बाद 1925 में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की टीम ने मूर्ति के आसपास खुदाई करवाई, जिसके बाद स्फिंक्स के पूरे शरीर का ढांचा बाहर आया। मिस्र में टेंपल ऑफ लग्जर में इसी तरह के 1300 से ज्यादा छोटे आकार के स्फिंक्स मौजूद हैं, जो मिस्र की प्राचीन संस्कृति से अवगत कराते हैं। स्फिंक्स की उम्र को लेकर सवाल। इसके अलावा स्फिंक्स की बाहरी सतह पर पेंट यानी रंग के निशान हैं, जो 3000 साल से भी पुराने हैं। कहा जाता है कि राजा तट ने इस मूर्ति की मरम्मत करवाई थी, उसी दौरान इसकी सतह पर पेंट के निशान हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जिस मूर्ति को 3000 साल पहले मरम्मत की जरूरत पड़ी थी, वो आज से कितनी पुरानी और प्राचीन होगी। मूर्ति पर पेंट के ये निशान इसकी उम्र और निर्माण को लेकर फिर सवाल खड़े करते हैं। वहीं 1950 के दशक में स्फिंक्स की मूर्ति पर पानी के कटाव के निशानों को खोजा गया, जो बारिश के कारण हुए होंगे, लेकिन पिछले 9000 साल से मिस्र में इतनी बारिश हुई ही नहीं कि मूर्ति पर कटाव के निशान आ जाएं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्फिंक्स की ये मूर्ति इतिहासकारों के अनुमान से कहीं ज्यादा पुरानी है, क्योंकि मूर्ति पर पानी के कटाव के निशान तभी संभव हैं जब उसका निर्माण मिस्र के मरुस्थल होने के दौरान किया गया हो, क्योंकि मिस्र के मरुस्थल होने के दौरान ही वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती थी। ऐसे में मिस्र की इस संरचना को लेकर कह पाना बेहद मुश्किल है कि ये सभ्यता कितनी प्राचीन है। ये संभव है कि स्फिंक्स का निर्माण उस सभ्यता के लोगों ने किया होगा जो प्राचीन मिस्र के लोगों से पहले यहाँ रहते थे। हालांकि इन बातों के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। स्फिंक्स में मौजूद सुरंग। यूं तो गीजा का स्फिंक्स पूरे मिस्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शेर के शरीर वाली इस मूर्ति के सिर के ऊपर एक सुरंग मौजूद है,
आसमान से ली गई स्फिंक्स की तस्वीरों में सुरंग का रास्ता साफ तौर पर दिखाई देता है, जिसे लोहे के एक गोल ढक्कन से बंद किया गया है। इतिहासकार और पुरातत्वविद भी इस सुरंग का रहस्य दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, इसलिए इस रहस्यमय सुरंग के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। सन 1800 में अमेरिका के एडगर कैसी ने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं शताब्दी में स्फिंक्स के अंदर हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स यानी एक प्रकार की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां सदियों पहले पृथ्वी से गायब हुई सभ्यताओं के बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं। एडगर ऐसी ही कथित तौर पर पुनर्जन्म, युद्ध और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते थे। स्फिंक्स में मौजूद हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए साल 1998 में सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के निदेशक ज़ही हावस ने गीजा स्फिंक्स के नीचे खुदाई करवाई, लेकिन वहां लाइब्रेरी होने के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि इस खुदाई में स्फिंक्स के अंदर मौजूद सुरंगों को खोजा गया। 1740 में चार्ल्स थॉम्सन ने अपनी एक किताब में लिखा था कि जो लोग गीजा स्फिंक्स के सिर के ऊपर चढ़े थे, उन्होंने बताया कि वहां एक गोल सुरंग मौजूद है जिसके जरिए उस मूर्ति के अंदर उतरा जा सकता है। लेकिन 1920 में एक इंजीनियर ने स्फिंक्स के सिर पर मौजूद सुरंग के रास्ते पर लोहे का ढक्कन लगाकर उसे ढक दिया। 1914 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉर्ज एंड्रयू रेसनर ने स्फिंक्स के अंदर मौजूद सुरंग और रास्ते को दिखाने के लिए एक ड्राइंग तैयार की थी, जिसमें स्फिंक्स के अंदर मौजूद सीढ़ियों और चैम्बर को दिखाया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि स्फिंक्स के अंदर विशाल कमरे भी मौजूद होंगे, जिन्हें आज तक कोई खोज नहीं पाया। इतना ही नहीं, जॉर्ज ने ये भी बताया कि स्फिंक्स के अंदर सूरज देवता का भव्य मंदिर बना है। उन्होंने कहा था कि मिस्र की धरती के नीचे एक विशाल शहर दफन है जो कभी अस्तित्व में था, लेकिन इन बातों को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। 2006 में नया खुलासा। गीजा के महान स्फिंक्स का रहस्य यही खत्म नहीं होता, बल्कि ये आपकी सोच से भी ज्यादा रहस्यमयी है। साल 2006 में स्फिंक्स के अस्तित्व को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई, जब रूस के रहने वाले 12 साल के बोरिस्का ने चौंकाने वाले खुलासे किए। बोरिस्का ने दावा किया कि वो पिछले जन्म में मंगल ग्रह का निवासी था और पृथ्वी के लोगों से संपर्क किया करता था। 12 वर्षीय इस बच्चे की बातों को ज्यादातर लोगों ने एक मजाक समझा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बच्चे को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। बोरिस्का ने ये भी बताया कि स्फिंक्स के कान के पास एक दरवाजा है जो मूर्ति के भीतर जाता है। पुरातत्वविदों ने बोरिस्का की बात मानकर स्फिंक्स के कान के पास खोजा, जहां उन्हें सचमुच दरवाजा मिला। इसके बाद पुरातत्वविदों और साइंटिस्ट्स ने रडार की मदद से स्फिंक्स की जांच की, जिससे ये बात सामने आई कि इस विशाल मूर्ति के अंदर खाली चैम्बर और सुरंगें मौजूद हैं, जिनके बारे में बोरिस्का ने पहले ही बताया था। हालांकि खोजकर्ताओं को स्फिंक्स के भीतर और क्या कुछ मिला, इस बारे में वो खुलासा नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ बोरिस्का को भी स्फिंक्स से जुड़े बयान देने से रोक दिया गया। उस दौरान स्फिंक्स में हुई खोज और परिणाम को बाहरी दुनिया से पूरी तरह छिपाया गया। अब मिस्र के इतिहासकार और पुरातत्वविद कहते हैं कि स्फिंक्स के अंदर कुछ नहीं है और वो महज एक प्राचीन मूर्ति है। हो सकता है कि भविष्य में हमें स्फिंक्स से जुड़े नए खुलासे सुनने को मिले, क्योंकि कहीं न कहीं इस विशाल मूर्ति के भीतर कई राज दफन हैं, जिन्हें जानने की कोशिश की जा रही है। भले ही पुरातत्वविद हमें वो राज ना बताएं, लेकिन वक्त के साथ कुछ बातें अपने आप सामने आ ही जाती हैं। मिस्र के इस रहस्यमय गीजा स्फिंक्स के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।